अध्याय चार, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण की भांति होते हैं। बस द्विघात समीकरण में एक चर होते हैं और एक चर की अधिकतम घात दो होती है। जैसे एक्स स्क्वायर अगर उस समीकरण में है तो वो एक द्विघात समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार का अगर समीकरण है तो वह द्विघात समीकरण निश्चित ही है। द्विघात समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी होती है कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। बस अगर यही 1 बटे एक्स स्क्वायर या 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो यह एक बहुपद ही नहीं है, अतः यह द्विघात बहुपद भी नहीं है। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का। पहले सवाल में सिर्फ बस छांटना है कि कौन से द्विघात बहुपद समीकरण है या नहीं है, तो इसी प्रकार से हम छांट लेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की जब चाल ज्ञात करनी है तो हम पहले जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वही मानते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 480 किलोमीटर है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, हमने माना इसकी चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x है x माइनस 8 होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो पहले हमें यहाँ पे ज्ञात करना है चाल, यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 480 किलोमीटर, तब समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 480 किलोमीटर बटे चाल है x, इतना समय उसे जब x किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती तब लगता। प्रश्न आगे कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर चाल क्या प्राप्त होगा, नई चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल प्राप्त हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर। अब यहाँ से समय ज्ञात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे प्रश्न है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। चार सौ अस्सी बटे एक्स बराबर 480 बटे एक्स माइनस 8, यह 3 घंटे अधिक समय ले रहा है तो प्लस 3 कर देंगे इस तरफ। इस प्रकार समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इसको इस तरह पछांतर कर दे तो 480 बटे x माइनस 8
माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3। ये द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। हमें इस प्रश्न में सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था, लेकिन अभी हम इसको हल करके भी देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करें। 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3। ये समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब समीकरण को हल किस प्रकार से करें, द्विघात समीकरण को? तो पहले इसको अंश और हर को, भिन्नों के जोड़ को समझकर हल करेंगे। x माइनस 8 तिरे गुणा 480x माइनस 480 एक्स माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से हल करेंगे तो 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस 480 गुणे 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब यहाँ से 480 से 480 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचा 480 गुणे 8, और जब इसका तिरे गुणा इस तरफ कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। इस प्रकार का समीकरण प्राप्त हुआ। इधर से अगर 3 कॉमन ही रहने दे तो ये कट जाएगा, 480 गुणे 8 बटे 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x 24। 3 एकम 3, 3 6 18, 160 गुणे 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस तरह पछांदर करके ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। अब हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड एक्स स्क्वायर में अचर पद का गुणा करके, पहले तो 128 का गुणनखंड करेंगे, ये 128 का गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड में हमें दो ऐसे जोड़े प्राप्त करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 16 8 128 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार हमें इसका गुणनखंड दो प्राप्त करना होता है, दो जोड़े में जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें 8 प्राप्त हो, इसी के गुणनखंड से, इसके और इसके गुणनफल के गुणनखंड से। तो इसका गुणांक 1 है तो सिर्फ इसी के गुणनखंड से होगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ इसका 2, 16 और 8, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 16 प्लस 8 एक्स माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से दो गुणनखंड प्राप्त हुए। पहला x प्लस 8 और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हुआ x माइनस 16 बराबर 0। ये अलग है, ये प्राप्त हुआ हमें। अब हमें यहाँ से मान निकालना है, तो हम प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके मान निकालेंगे। x प्लस 8 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 8, फिर आएगा
आएगा x माइनस 16 बराबर 0, तब x का मान आएगा 16। ये दो मान प्राप्त हुए, परंतु इसमें से कोई एक ही हमारा सही मान है, जो है 16, क्योंकि कभी भी चाल माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए यह अग्राह है जिसका प्रयोग हम अपने प्रश्न के हल में नहीं करते हैं। अग्राह है, अतः x बराबर 16। अतः रेलगाड़ी की चाल सोलह किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, समीकरण बना के उसको हल किया जाता है, और द्विघात समीकरण में दो हल प्राप्त होते हैं जिनमें से एक ही का प्रयोग होता है, कभी कभी दोनों का प्रयोग हो जाता है। जो माइनस में होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए प्लस 16 इसका सही उत्तर है।